आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहजनवा में प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर शनिवार को डीएम और एसएसपी ने किया हेलीपैड स्थल का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। एटीएम से फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह के 6 अभियुक्तों को पिपराइच पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। 50,800 रुपए, 2 देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 23 एटीएम कार्ड, 1 ग्रीन कार्ड, घटना में प्रयुक्त कार किया बरामद। एसपी क्राइम ने किया सनसनीखेज खुलासा, भेजा जेल। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मोहद्दीपुर स्थित जनता डायग्नोस्टिक सेंटर तथा पादरी बाजार स्थित साई डायग्नोस्टिक सेंटर की अल्ट्रासाउंड मशीन को किया सील। एसीएमओ डॉक्टर एन के पांडे ने बताया, जिला सलाहकार समिति की बैठक के बाद होगी आगे की विधिक कार्यवाही। 5 जोन में बटेगा नगर निगम का क्षेत्र, प्रत्येक जोन में स्थापित होगा जोनल मुख्यालय। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, टैक्स जमा करने सहित होंगे सभी कार्य, नगर आयुक्त ने बताया। माह के अंत तक मुख्यमंत्री कर सकते हैं शुभारंभ। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में लोगों को राहत देने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जा रहा है प्रति यूनिट 5 किलो राशन। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा, 5 जुलाई से शुरू होगा निशुल्क राशन वितरण। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में चलाए जा रहे विशेष फॉगिंग, सफाई और सैनिटाइजेशन अभियान का नगर आयुक्त ने किया स्थलीय निरीक्षण। संचारी रोगों पर नियंत्रण लगाने के दिए निर्देश। गोरखपुर में शनिवार को मिला मात्र 1 नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,289। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 56 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रामगढ़ झील से जलकुंभी निकालने के नाम पर संबंधित विभाग के द्वारा सरकारी धनराशि की बंदरबांट किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन। झील से जलकुंभी निकालने की ठोस व्यवस्था करने की मांग। शनिवार को जिला अस्पताल सहित 37 केंद्रों पर 5,868 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। सीएमओ ने कहा, कोविड से बचाव के लिए अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए शुक्रवार की रात 9 बजे से लगाया गया साप्ताहिक बंदी का शनिवार को दिखा छुटपुट असर। बंद रही दुकानें लेकिन आवागमन रहा जारी।